वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो रेसिपी है वो हमारी बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी है। तो मेरी आज मैं चटनी बनाना सिखाऊंगी आपको, रमज़ान की स्पेशल चटनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो यहाँ पर मैंने जग लिया है और मैं एक भर के फुल हैंड मैंने यहाँ पर लिया है हरा धनिया, जो कि मैं इसको इस तरीके से काट लेती हूँ। हरा धनिया को पूरा एक मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर मैं चंद पत्ते पुदीने के ले रही हूँ। ये चंद पत्ते मैंने पुदीने के लिए हैं, ये भी मैंने उसमें डाल दिया है अपने ग्राइंडर में। और अब हम लेंगे यहाँ पर अपने टमाटर। टमाटर मैंने इसकी स्किन उतार ली है और मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये भी हम डाल देंगे चटनी में अपनी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने यहाँ पर 2 जबे लहसुन के लिए हैं, ये भी डाल देंगे इसमें। और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने ली हैं यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें डालेंगे इसमें चटनी में। अच्छा, हरी मिर्चें जो हैं वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसके बाद जो डलेगा वो है ज़ीरा और नमक, ये डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है यहाँ पर और 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है नमक। ठीक है, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें 1 लीमू मैं डालूंगी, इसमें 1 लीमू डलेगा पूरा। लीमू की जगह आप इमली भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर 1 लीमू डाल रही हूँ, इससे ये कि इसका जायका ज़बरदस्त सा हो जाएगा। 1 अदद हमने यहाँ पर लीमू डाल दिया है। साथ ही हम डालेंगे इसमें अनारदाना, जो कि 1 चम्मच मैंने अनारदाना का लिया है। ये देखें इस तरीके का होता है अनारदाना, ये 1 चम्मच डाल दिया हमने अनारदाने का। ठीक है, इसका टेस्ट ज़बरदस्त का होता है। अब हम इन सब चीज़ों को देखें, हमने ग्राइंडर में डाल दिया, अब हम इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, देखिए चटनी पीसनी। अब इसमें एक सीक्रेट है, वो ये है कि हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। ये टिप है एक, और इसीलिए आप अब मेरी रेसिपी पूरी फॉलो किया करें। ये छोटी छोटी जो टिप होती हैं, ये अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसमें मैंने, जब पूरी मेरी चटनी कंप्लीट हो गई है, तो मैंने इसके अंदर एक भर के 1 टेबल स्पून चाट मसाले का मैंने शामिल कर दिया है। तो ये मज़ेदार सी हमारी जो चटनी है, दिखाती हूँ आपको। देखिए मज़ेदार सी चटनी थोड़ी सी हो गई, देखिए मज़ेदार सी चटनी हमारी, क्या ज़बरदस्त चटनी तैयार हुई है। और ये आप रमज़ान की स्पेशल चटनी है, आप ये पकौड़ों के साथ खाएँ और किसी भी स्नैक्स के साथ खाएं, ये आपको बहुत ही मज़ेदार देगी, अच्छी लगेगी आपको ये। और आप चाहें तो इसको खिचड़ी के साथ या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और प्लीज़ मेरी वीडियो आप पूरी देखा करें। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।